वक्त की बड़ी खबर, यूपी आबकारी विभाग में बड़े पैमाने पर तबादले, 10 उप आबकारी आयुक्तों के तबादले। जैनेन्द्र उपाध्याय उप आबकारी आयुक्त आगरा बने, विजय कुमार मिश्र उप आबकारी आयुक्त लखनऊ बनाए गए, जितेंद्र बहादुर सिंह उप आबकारी आयुक्त गोरखपुर बने, राजेंद्र कुमार सिन्हा उप आबकारी आयुक्त मुरादाबाद बनाए गए हैं, मिर्जापुर प्रयागराज सहारनपुर आजमगढ़ झांसी अलीगढ़ सभी जगहों के बदले गए उप आबकारी आयुक्तों के तबादले बड़े स्तर पर किए गए हैं। बड़ी खबर हम आपको दिखा रहे हैं, यूपी में ये बड़ा फेज बदल किया गया है, तबादले किए गए हैं उप आबकारी को लेकर। 10 उप आबकारी आयुक्तों के तबादले किए गए हैं जिनमें तमाम नाम निकल कर आ रहे हैं, जिनका पहला नाम जैनेन्द्र है, विजय कुमार मिश्र उप आबकारी लखनऊ बनाए गए हैं, जितेंद्र बहादुर सिंह उप आबकारी आयुक्त बनाए गए हैं। उप आबकारी के तबादले बड़े स्तर पर किए गए हैं, देख सकते हैं कि इस वक्त की बड़ी खबर हम आपको दिखा रहे हैं। जहां 10 उप आबकारी आयुक्तों के तबादले बड़े स्तर पर किए गए हैं, जिनमें जैनेन्द्र उपाध्याय विजय कुमार मिश्र जैसे तमाम नाम शामिल हैं। जितेंद्र बहादुर सिंह गोरखपुर के बने हैं उप आबकारी आयुक्त, राजेंद्र कुमार सिन्हा बने हैं मुरादाबाद के, मिर्जापुर प्रयागराज सहारनपुर आजमगढ़ झांसी समेत सभी इन सभी तमाम जगहों के उप आबकारी आयुक्त बदले गए हैं। बड़ा फेर बदल, वही बड़ी खबर इस वक्त की हम आपको बता रहे हैं, सीएम योगी आदित्यनाथ का गोरखपुर दौरा आज, कोविड अस्पताल का कर सकते हैं लोकार्पण, गुरु गोरक्षनाथ चिकित्सालय में 200 बेड का होगा लोकार्पण, एम्स में भी 200 बेड के कोविड अस्पताल का कर सकते हैं लोकार्पण, बड़हलगंज में भी 100 बेडों के कोविड अस्पताल का लोकार्पण कर सकते हैं। तो बड़ी खबर हम आपको दिखा रहे हैं, सीएम योगी आदित्यनाथ का गोरखपुर दौरा आ जाए, कोविड को लेकर लगातार सीएम योगी आदित्यनाथ दौरे कर रहे हैं, जिसको लेकर वो तमाम सुविधाओं को जांच परख रहे हैं कोरोना को लेकर। तो वहीं इस वक्त वो 200 बेड के कई अस्पतालों का लोकार्पण भी कर सकते हैं। तो लगातार सीएम योगी आदित्यनाथ दौरे कर रहे हैं, इससे पहले सिद्धार्थनगर भी पहुंचे थे सीएम योगी आदित्यनाथ, वहां पर भी उन्होंने जाकर कोरोना को लेकर किस तरह से वहां पर व्यवस्था की गई है और चिकित्सा व्यवस्था को लेकर क्या जो जमीनी स्तर पर उतरकर सीएम योगी आदित्यनाथ ये परख रहे कि कहीं भी कोई कमी ना छूट जाए, इसको लेकर आज गोरखपुर दौरा भी करने वाले हैं, वहीं पर कई कोविड अस्पतालों का वो लोकार्पण भी कर सकते हैं। बड़ी खबर इस वक्त की लखनऊ से ही सामने आ रही है, परिवहन कर्मियों के लिए टीकाकरण जरूरी, कर्मियों को सर्टिफिकेट दिखाने पर ही मिलेगा वेतन, प्रबंधन निदेशक ने टीका लगवाने के दिए निर्देश। तो बड़ी खबर हम आपको बता रहे हैं लखनऊ से, जहां पर परिवहन कर्मियों के लिए टीकाकरण जरूरी बता दिया गया है, टीकाकरण सर्टिफिकेट होने पर ही वेतन मिलेगा, प्रबंधन निदेशक ने टीका लगवाने के दिए निर्देश। बड़ी खबर हम आपको दिखा रहे हैं, जहां परिवहन कर्मियों को अब अनिवार्य कर दिया है टीका लगवाना, उसके बाद ही वेतन मिलेगा, प्रबंधन निदेशक ने ये निर्देश पारित कर दिए हैं। जिस तरह से जो परिवहन कर्मी हैं वो लगातार अनलॉक की वजह से अब सवारियों को भी कई लोगों के कांटेक्ट में भी आते हैं, इसको लेकर ये बड़ा फैसला लिया गया है कि उन्हें टीकाकरण करवाना अनिवार्य हो गया है। वहीं लखनऊ से एक और बड़ी खबर,
सपा नेता प्रतिपक्ष ने सीएम को लिखा पत्र। राम गोविंद चौधरी ने सीएम को लिखा पत्र। विधानसभा में ऑक्सीजन प्लांट लगवाए जाने की कीमा। कुव्यवस्था के कारण हुई मौतों का भी किया जिक्र। वहीं इस खबर पर इस वक्त हमारे साथ हमारे संवाददाता अभिषेक मणि जुड़ चुके हैं। अभिषेक जी, मैं आपसे जानना चाहूंगी, जिस तरह से राम कोविंद ने ये पत्र लिखा है, क्या कुछ उसमें उस पत्र में जिक्र किया गया है? बिल्कुल कीर्ति, आपको बताना चाहेंगे कि सपा नेता प्रतिपक्ष राम गोविंद चौधरी अपने बलिया क्षेत्र के अपने विधानसभा क्षेत्र में ऑक्सीजन प्लांट की मांग किए हैं। जैसा कि इन्होंने पत्र में लिखा है साफ साफ कि पहली लहर और दूसरी लहर में हजारों लोगों की मौतें हुई, जिसको लेकर के सरकार के द्वारा कोई ऐसा कार्य नहीं किया गया और लगातार विपक्ष जो है सत्ता पक्ष की खिंचाई में कहीं से कोई कोर कसर नहीं छोड़ रहा है। उसी को लेते हुए उन्होंने मुख्यमंत्री से अपील किया है कि उनके विधानसभा क्षेत्र में, जो कि बलिया के से विधायक हैं, अपने क्षेत्र में ऑक्सीजन प्लांट के लिए बोला। जी, पहले भी वो पत्र लिख चुके हैं, ट्रामा सेंटर को लेकर भी उन्होंने ये पत्र लिखकर उसको जल्द ही दुरुस्त करने की बात भी कही थी। बिल्कुल, आपको बता दें लगातार विपक्ष ऐसी कोई कोर कसर नहीं छोड़ रहा है जिसमें सरकार की जो कोई भी कमियां हो उसको आड़े हाथ ना ले। उसी क्रम में इन्होंने अपने विधानसभा क्षेत्र में, जो कि बांसडीहा क्षेत्र है इनका बलिया विधानसभा, वहां पे अपने क्षेत्र में ऑक्सीजन प्लांट की मांग की है। जी, बहुत बहुत शुक्रिया अभिषेक जी हमारे साथ जुड़ने के लिए। तो सपा नेता प्रतिपक्ष राम गोविंद चौधरी ने सीएम योगी आदित्यनाथ को पत्र लिखा है। उन्होंने साफ तौर पर अपनी विधानसभा में ऑक्सीजन प्लांट लगवाए जाने में की मांग की है। इससे पहले भी वो पत्र लिखकर व्यवस्था को, जो स्वास्थ्य व्यवस्था, उसको दुरुस्त करने की मांग रखी थी। ट्रामा सेंटर, जिस तरह से उन्होंने पत्र में कहा था कि बलिया के ट्रामा सेंटर को जल्द से जल्द चालू करने के निर्देश दिए जाए, इस तरह से राम गोविंद चौधरी सीएम योगी को एक बार और पत्र भी लिख चुके हैं। वहीं इस वक्त की बड़ी खबर एक और उत्तर प्रदेश की राजधानी लखनऊ से सामने आ रही है। यहां पर यूपी में सीरो सर्वे आज से शुरू। एंटीबॉडी जांचने के लिए सीरो सर्वे आज से शुरू। 4, 5 और 6 अप्रैल तक चलेगा सीरो सर्वे। वायरस के स्तर को जानने के लिए आज से शुरू होगा सीरो सर्वे। तो लखनऊ से बड़ी खबर हम आपको दिखा रहे हैं, जहां सीरो सर्वे आज से शुरू हो जाएगा। बता दें कि आपके अंदर एंटीबॉडीज कितनी बन गई हैं कोरोना से लड़ने के लिए, इसको जांचने के लिए ये सीरो सर्वे रखा गया है। और 3 दिन तक ये कार्यक्रम चलेगा, जिसके तहत एंटीबॉडीज जांची जाएंगी। वायरस के स्तर को जानने के लिए आज से ये सीरो सर्वे शुरू किया जा रहा है। वहीं इस वक्त की एक और बड़ी खबर, कुछ अफसरों के तबादले। यूपी के 31 पीसीएस अफसर बने आईएएस। तो 1999 और तमाम बैचों के आईएएस अफसरों के तबादले किए गए हैं। पोस्टिंग पर देर रात तक चली बैठक। तो बड़ी खबर हम आपको दिखा रहे हैं, कुछ अफसरों के तबादले किए गए हैं, 31 पीसीएस अफसर बनेंगे आईएएस। 1998, 1999, 2000 बैच के अफसर बनेंगे आईएएस। और नियुक्ति विभाग के तीनों सेक्शन में कल देर रात तक बैठक हुई। पोस्टिंग को लेकर भी ये बैठक देर रात तक चली, जिसके बाद 31 पीसीएस अफसरों को आईएएस बनाने पर चर्चा की गई है। वहीं प्रदेश भर में व्यापारी संगठन व्यापारियों के लिए उठाएंगे आवाज। हर जिले के सांसद, विधायक, मंत्री और डीएम को देंगे ज्ञापन। ज्ञापन के जरिए पीड़ित परिवारों की पहुंचाएंगे आवाज। कोरोना काल में बाजार बंद होने से पड़ा है व्यापक असर। प्रदेश भर में व्यापारी संगठन व्यापारियों के लिए आवाज उठाएंगे, बड़ी खबर हम आपको बता रहे हैं, जहां हर जिले के सांसद, विधायक, मंत्री और डीएम को ज्ञापन देंगे। ज्ञापन के जरिए वो पीड़ित परिवारों की सहायता की बात रखेंगे। कोरोना काल में बाजार बंद होना और जिस तरह से लगातार बाजार बंद है, व्यापार ठप पड़ा हुआ है, उसको लेकर अब व्यापारी संगठन व्यापारियों के समक्ष, व्यापारियों की तरफ से आवाज उठाने वाले हैं।